आज 24 फरवरी का दिन है, यानी महामस्तकाभिषेक का 8वां दिन। लोगों में अपार उत्साह है। चारों बगल अगर आप देखेंगे तो एक जन सैलाब जैसा लग रहा है। जिन लोगों को पास मिले हैं भगवान के कलश करने को या भगवान के दर्शन करने को, वो काफ़ी खुश हैं कि उनका नंबर आ गया है और वो जा रहे हैं। और जिनके पास पास नहीं है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आम दर्शन करने के लिए, जिसका रास्ता दिन में 2 बजे खुलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में काफ़ी बड़ी संख्या में महिला और पुरुष बैठे हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से हैं। आप यहाँ कब से बैठे हुए? मैं यहाँ से 9 बजे से बैठा हूँ। हम भी ग्वालियर से आए हैं। तो ये सारा ग्रुप ग्वालियर, दिल्ली से भी आए? ग्वालियर दिल्ली से। हाँ, हम दिल्ली से आए हैं। सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। कुछ अभिषेक के लिए पास नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत परेशान है। अभिषेक के लिए तो आपको बुकिंग करानी होगी। तो अलग अलग जगह से, दिल्ली से, ग्वालियर से, कई जगह से लोग आए हुए हैं जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पास नहीं मिलने के कारण करीब 5 घंटा 6 घंटा उनको प्रतीक्षा करनी है। और जब 2 बजे आम रास्ता खुल जाएगा उसके बाद इनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बाल जिंदगी ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो बाहुबली में इस प्रकार का प्रोग्राम दे रही है। आज हम लोग का भाग्य है कि हम लोग भी ये कलश करने के लिए आए हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ और ललित जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा मेहनत करके ये इतना सुंदर प्रोग्राम सबको पूरे भारत में, पूरे विश्व में दिखा रहे हैं। आज हम कोलकाता वासियों का और झुमरेतलिया के विशेष आभारी हम कि हमें मौका मिला आज बाहुबली महामस्तकाभिषेक में जाने का। हम लोग विंध्यगिरी पर्वत के नीचे हैं, वहाँ जिंदगी के बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने हमें विश्व स्तरीय में आज कुछ कहने का मौका दिया। हम लोग सब आज गदगद हैं, हर्षित हैं। जय बोलिए गोमटेश बाहुबली भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। लोग अभी कलश करके आए हैं ऊपर भगवान बाहुबली का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। ये अभिषेक 12 साल में एक बार होता है। यहाँ हम लोग कलकत्ता से आए, 8 जन आए हैं। इस तपती धूप में भी आप देख सकते हैं कि लोगों की, श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है कि भगवान बाहुबली का एक बार दर्शन कर लें। काफ़ी लंबी लाइन है। मैं समझता हूँ कि ये लाइन पीछे 1 किलोमीटर तक होगी। बच्चे तक भी जो है लाइन में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भगवान बाहुबली का दर्शन हो जाए। दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए। आप लोग सब? आप लोग? हम लोग हैदराबाद से आए। पिछले 2 घंटे से लाइन में ठहरे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, 2 घंटे के बाद भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे ना। इस तरह आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। लोगों में काफी उत्साह है। आप कहाँ से आए? हम इंदौर से आए, MP से आए। लोगों में उत्साह है। लोग भगवान बाहुबली की जय 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 गोमटेश्वर कह रहे हैं। आप कहाँ से आए? हासन से। मैसूर से आए। आप? सम्मेत शिखर जी। सम्मेत शिखर जी से आए। कितने लोग आए? हम लोग 2 लोग हैं फिलहाल। तो 2 लोग हैं। चलिए, सम्मेत शिखर जी जो अपने आप में एक तीर्थस्थल है, महान तीर्थस्थल है, वहाँ से भी लोग आए हैं इस महान तीर्थस्थल का दर्शन करने के लिए। अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, परंतु भगवान बाहुबली एक ही हैं।